दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट लैपटॉप अंडर 25,000 रुपीज़ जो आप ले सकते हैं फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन से, और सभी की बाइंग लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और इससे पहले भी हम लैपटॉप्स के कई प्राइस रेंज में वीडियोस बना चुके हैं जिसमें हमने टॉप 5 वीडियोस कवर की है और सभी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। पर इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें क्योंकि ऐसी क्वालिटी टेक्निकल वीडियोस हम रोज लेकर आते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ में। दोस्तों शुरुआत करते हैं इस लिस्ट के 5th नंबर के लैपटॉप के साथ में, और आता है एसर की तरफ से। उसका नाम है एसर एस्पायर A315। अगर बात करें इसके स्पेसिफिकेशन की तो इसमें आपको डिस्प्ले मिलती है 15.6 इंच की HD रेजोल्यूशन के साथ में, और इसका ब्राइटनेस लेवल काफ़ी अच्छा है। ये एक LED बैकलिट डिस्प्ले है जो आपको TFT LCD पैनल के साथ में मिलती है। अगर बात करें इसके प्रोसेसर की तो इसमें आपको AMD A सीरीज़ का प्रोसेसर मिलता है जो A6 9220 है, जिसकी टर्बो बूस्ट 2.9 GHz तक की है। अगर बात करें इसके रैम की तो इसमें आपको 4GB की DDR4 रैम मिलती है, 1TB की हार्ड डिस्क मिलती है, डुअल स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं, और साथ में इसमें आपको 4 से 5 घंटे का बैटरी बैकअप भी मिल जाता है। 45 वॉट का फास्ट चार्जर मिलता है, और साथ में अगर आप इसे 24,000 रुपीज़ देकर खरीदेंगे तो लॉजिटेक का एक फ्री माउस मिलेगा ब्लूटूथ वर्जन के साथ में। इसका जो बेस प्राइस है वो 22,990 रुपीज़ है, पर अगर आप माउस भी ऑप्ट करते हैं तो ये आपको 24,000 रुपीज़ का पड़ेगा अमेज़ॉन पे, और इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। दोस्तों अगर बात करें इस लिस्ट के 4th नंबर के लैपटॉप की तो आता है लेनोवो की तरफ से। उसका नाम है लेनोवो आइडियापैड S145, जिसमें आपको 15.6 इंच की HD रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले मिलती है, और ये आती है एंटी ग्लेयर टेक्नोलॉजी के साथ में, जिसमें आपको लाइट रिफ्लेक्ट करती हुई नहीं दिखती और आउटडोर में भी आपको जो विजिबिलिटी है स्क्रीन की वो काफ़ी अच्छी दिखती है। दोस्तों अगर बात करें इसके प्रोसेसर की तो इसमें आपको AMD का APU A6 9225 प्रोसेसर मिलता है, जिसकी बेस स्पीड है 2.6 GHz, और इसे आप टर्बो बूस्ट कर सकते हैं 3 GHz तक, और ये काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। नॉर्मल टास्किंग में आपको कोई भी लैग या हैंग नहीं मिलेगा। अगर बात करें इसके रैम और स्टोरेज की तो इसमें आपको 4GB की रैम मिलती है और 256GB की SSD मिलती है, और आपको पता है कि SSD HDD से फास्टर होता है, पर 256 ज़्यादा सफिशियंट नहीं है। अगर आपको ऑफिस वर्क करना है तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा लैपटॉप साबित हो सकता है। अगर बात करें इसके कुछ और फीचर्स की तो इसमें आपको विंडोज 10 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, और साथ में इसमें आपको एक HDMI, दो USB 3.0 और एक USB 2.0 का भी सपोर्ट मिलता है। इसमें आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं, और उसकी प्राइस 24,000 रुपीज़ है अमेज़ॉन पे, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दोस्तों अगर बात करें इस लिस्ट के 3rd नंबर के लैपटॉप की तो आता है HP की तरफ से। उसका नाम है HP 14। अगर बात करें इसके स्पेसिफिकेशन की तो इसमें आपको 14 इंच की HD रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले मिलती है, और ये एक LED डिस्प्ले है जिसके जो कलर रिप्रोडक्शन है वो काफ़ी अच्छा है, और आउटडोर की ब्राइटनेस भी इसकी काफ़ी अच्छी है। अगर बात करें इसके प्रोसेसर की तो इसमें आपको इंटेल का पेंटियम प्रोसेसर मिलता है 4417U वाला, जिसकी बेस फ्रिक्वेंसी है 2.3 GHz, और ये एक डुअल कोर प्रोसेसर है जिसमें आपको 2MB की कैश भी मिलती है। ये आउट ऑफ द बॉक्स विंडोज 10 के सपोर्ट के साथ में आती है। इसमें आपको 4GB की रैम मिलती है, और साथ में 256GB की सॉलिड स्ट्रेट ड्राइव मिलती है, HDD नहीं मिलती, SSD मिलती है, और ये काफ़ी फास्ट है। अगर बात करें इसके ग्राफिक्स कार्ड की तो इसमें आपको इंटेल HD ग्राफिक्स 620 मिलता है, जो नॉर्मल टास्किंग के लिए काफ़ी अच्छा है, पर हेवी गेमिंग के लिए आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। अगर इसके वेट की बात करें तो इसमें आपको 1.47 kg का वेट मिलता है, और इसकी जो बैटरी लाइफ है वो लगभग 7 घंटे की मिलती है, और एक फास्ट चार्जर मिलता है 41 वॉट का AC अडेप्टर। इसमें आपको 3-सेल लिथियम आयन बैटरी मिलती है, 1 साल की वारंटी मिलती है, एक HDMI पोर्ट मिलता है, 2 USB 3.0 मिलता है, और एक USB 2.0 भी मिलता है। इसमें आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं, और ये 14 इंच का कॉम्पैक्ट लैपटॉप होने की वजह से ज़्यादा भारी नहीं है, और काफ़ी अच्छा ये लैपटॉप देखने में लगता है। इसकी जो प्राइस है वो 26,000 रुपये के आसपास में है, और इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, और ये आपको अमेज़ॉन पे इजीली मिल जाएगा, और इस प्राइस में काफ़ी वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप है। दोस्तों अगर बात करें इस लिस्ट के अगले लैपटॉप की तो आता है लेनोवो की तरफ से, और इसका नाम है लेनोवो V330। अगर बात करें इसके स्पेसिफिकेशन की तो इसमें आपको 14 इंच की डिस्प्ले मिलती है जो आती है HD रेजोल्यूशन के साथ में, और ये एक LED बैकलिट डिस्प्ले है, और इसका जो आउटडोर ब्राइटनेस है वो भी काफ़ी अच्छा है, और इनडोर्स में भी ये काफ़ी अच्छे कलर्स प्रोड्यूस करता है। अगर बात करें इसके प्रोसेसर की तो इसको ये AMD की तरफ से आता है, और इसका नाम है Ryzen 3 डुअल कोर प्रोसेसर, और ये काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है नॉर्मल टास्किंग के लिए। नॉर्मल गेम्स भी आप इसमें आराम से खेल सकते हैं।
सकते हैं, हैवी गेमिंग हम नहीं कर सकते। इसमें जो ग्राफिक्स कार्ड मिलता है वो AMD Radeon SoC प्लेटफॉर्म पे मिलता है, जो बहुत ज़्यादा कैपेबल नहीं है पर नॉर्मल टास्क के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर बात करें इसके रैम और स्टोरेज की, तो इसमें आपको 4GB की रैम मिलती है DDR4 और इसमें 1TB की हार्ड डिस्क मिलती है HDD। दोस्तों 1TB हार्ड डिस्क 256GB SSD से ज़्यादा बेहतर होती है, क्योंकि इसमें आप ज़्यादा डेटा एक साथ स्टोर करवा सकते हैं, और जो इस प्राइस रेंज में लैपटॉप लेते हैं उनके लिए कॉन्टेंट रखना या डेटा रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आपको 1TB वाला ही प्रेफर करना चाहिए अगर आप इतने सस्ते लैपटॉप की तरफ से देख रहे हैं। अगर बात करें इसके कुछ और स्पेसिफिकेशन की, इसमें 4 से 5 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाता है और ब्लूटूथ वर्जन 4.2 मिल जाता है, डुअल स्टूडियो स्पीकर मिल जाते हैं। इसका जो वेब कैमरा है वो 720p वाला है और इसकी जो प्राइस है ये 26,000 के आसपास है और ये आपको फ्लिपकार्ट पे आराम से मिल जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस लिस्ट के नंबर 1 लैपटॉप की, और आता है HP की तरफ से जो बेस्ट लैपटॉप है अंडर 25,000 रुपीज़। उसका नाम है HP 15Q। अगर बात करें इसके स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें आपको 15.6 इंच की डिस्प्ले मिलती है HD रेजोल्यूशन के साथ में, और ये एक LED बैकलिट डिस्प्ले है जिसमें आपको एंटी ग्लेयर टेक्नोलॉजी भी मिलती है, और इस पर आप जो लाइट रिफ्लेक्ट करती हुई नहीं दिखती, इसमें आपको जो लाइट होती है आसपास की उसका रिफ्लेक्शन नहीं दिखता और ये काफ़ी लाइट एब्जॉर्ब कर लेती है, इसलिए इसकी जो विजिबिलिटी है आउटडोर्स में वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। अगर बात करें इसके प्रोसेसर की, तो ये AMD की तरफ से ही आता है और इसमें आपको APU डुअल कोर A9 प्रोसेसर मिलता है जो काफ़ी फास्ट है, और इसकी जो क्लॉक स्पीड है वो 3.1 GHz की है, जो टर्बो बूस्ट हो सकती है 3.7 GHz तक। इसमें आपको 3MB की कैश मेमोरी मिलती है और साथ में 4GB की रैम मिलती है DDR4 और 1TB की हार्ड डिस्क मिलती है। अगर बात करें इसके बैटरी बैकअप की, तो ये 4 से 5 घंटे का बैटरी बैकअप दे देती है और 45 वॉट का फास्ट चार्जर आपको बंडल्ड मिलता है बॉक्स में। इसमें आपको विंडोज 10 होम का सपोर्ट मिलता है, एक USB पोर्ट मिलता है, एक HDMI पोर्ट मिलता है और इसमें आपको एक 3-in-1 कार्ड रीडर भी मिलता है। इसमें एक माइक भी मिलता है और साथ में इसमें आपको ब्लूटूथ वर्जन 4.2 मिलता है और इंटीग्रेटेड ईथरनेट भी मिलता है, वाईफाई का सपोर्ट भी मिलता है 2.4 GHz और 5 GHz बैंड के ऊपर। इसकी जो रीड राइट है वो 8x है और साथ में इसमें आपको मल्टी जेस्चर टच पैड मिलता है, 1 साल की वारंटी मिलती है और ये लैपटॉप देखने में काफ़ी अच्छा लगता है और HP की ब्रांडिंग के साथ में ये आपको काफ़ी लंबी लाइफ भी दे देता है। अगर आपको एक नॉर्मल टास्किंग के लिए लैपटॉप चाहिए तो आप इस लैपटॉप को देख सकते हैं। दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, और अगर आपको कोई लैपटॉप लेना है जिसकी प्राइस 30,000 40,000 35,000 50,000 या 60-70,000 रुपये तक भी है, या आपको कोई गेमिंग लैपटॉप लेना है या टैबलेट लेना है, तो सभी की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है और वहाँ से जाके आप इन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं, इसमें आपको कुछ बेनिफिशियल मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसी टॉप 5 क्वालिटी वाली वीडियोज़ हम रोज़ लेकर आते हैं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहें अगले वीडियो तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।